हाँ जी, राम राम जी। आपने वो बात तो जरूर सुनी होगी कि एक सही समय आने पर, चाहे कितनी भी कोई घटिया चीज है, कैसी भी स्थिति है, सिचुएशन कैसी भी हो रखी है, वो नैया पार लग ही जाती है। सही समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हरियाणा के अंदर बेरोजगार भाइयों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा हो रखा है कि सही समय आने पर भी उनकी नैया पार लगती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, तभी तो हरियाणा के युवाओं को इंस्टाग्राम पे रील बनानी पड़ रही है, इंस्टाग्राम पे पूरा दिन स्क्रॉल करके अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। यहां पर मैं बात कराऊं, चाहे टीजीटी की बात हो, चाहे ग्रुप डी की सैलरी की बात हो, चाहे ग्रुप डी के डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो सीईटी क्वालिफाई करवाने की बात हो, चाहे वो 56-57 की बात हो, चाहे वो 20 ग्रुप की बात हो, चाहे 5 नंबर हटाने ना हटाने वाले मामले की बात हो, मैं सभी विषय के ऊपर बात कर रहा हूं और कॉमनली मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखिए, सीईटी क्वालिफाई करे, अभी क्या है, हरियाणा सरकार क्या करने वाली है, एचएसएससी क्या करने वाली है, किसी को नहीं पता है। खुद एचएसएससी के चेयरमैन साहब भी यही बयान दे रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे, हमें हमने फैसला नहीं लिया है। भाई साहब, फैसला और कब लोगे? ये 50-100-90 दिन रह रहे हैं, इसके बाद फैसला लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो सरकार फैसला लेगी। अब बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, 3 महीने बाद हरियाणा सरकार का टेस्ट है, कब करोगे फैसला? जब समय निकल जाएगा तब, जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तब, कब करोगे फैसला कि करोगे क्या? कब तक आप हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहोगे, या सरकारों के बारे में सोचते रहोगे, या सरकार हमेशा अपने बारे में सोचती रहेगी? कभी ना कभी ऐसा दिन तो आना चाहिए ना कि जनता के बारे में सोचा जाए, पब्लिक के बारे में सोचा जाए। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि हरियाणा की सरकार रोजगार के ऊपर बात करना चाहती हो। यदि बात करना चाहती तो पिछले 4.5 साल में भर्तियां नहीं हुई है, पिछले 4.5 साल में भर्तियां नहीं हुई है। आप सोच रहे हैं बच्चे कि विधानसभा के इलेक्शन है, चलो इलेक्शन के टाइम पे हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो भाई साहब फैसला ही नहीं ले रखा कि हम करेंगे क्या, 20 ग्रुप को बचाना है या नहीं बचाना है, 5 ग्रुप के सर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, अब आगे देने हैं या नहीं देने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, पेपर लेने हैं या नहीं लेने हैं, हरियाणा पुलिस की भर्ती करनी या नहीं करनी है, टीजीटी की भर्ती का रिजल्ट निकालना या नहीं निकालना, सारी की सारी चीजें केवल और केवल सरकार के संशय के ऊपर टिकी हुई है। सरकार कब अपना क्लियर करेगी कि हाँ हमें हाईकोर्ट की बात माननी है, नहीं हमें आगे जाना है? यार ये सही समय निकल जाएगा। वो कहते हैं कि 12 साल में कुरड़ी के बाघ भी जाग जाग रहे हैं, लेकिन हरियाणा के युवाओं के बाघ कब जागेंगे? अब तो ऐसी उम्मीद हो गई है कि इस सरकार के अंदर हरियाणा के युवाओं का भाग मुश्किल है। हालांकि जब 2014 में पहली बार ये सोचा था कि हाँ भाई ये सरकार कुछ करेगी रोजगार के ऊपर, लेकिन 2019 के सेशन के बाद बच्चों बच्चों ने खून के आंसू निकाले अपने। बहुत सारे लोग, अभी ग्रुप डी की मैं बात करूं, 4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने हो गए डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं। एक भाई का मैसेज आता कि रेलवे की नौकरी छोड़ के हरियाणा ग्रुप डी ज्वाइन किया था, जिंदगी खराब कर ली अपनी, कोई तसल्ली नहीं है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे रखी है, डिपार्टमेंट भी नहीं मिला और सैलरी भी नहीं मिली। गरीब बच्चा है, मेहनत करके रेलवे में लगा था, लेकिन ये सोच के कि भाई हरियाणा में नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी रेलवे वाले छोड़ दी और हरियाणा के चक्कर में पड़ गया। चलो बच्चे ने गलती कर दी, लेकिन इस सिचुएशन के लिए जिम्मेवार कौन है? सिचुएशन के लिए तो हरियाणा सरकार जिम्मेवार है ना। आज बच्चे परेशान हैं, कुछ महीनों बाद आप भी परेशान हो जाओगे। आज बच्चे टेस्ट के लिए भटक रहे हैं, टेस्ट ले लो या टेस्ट का रिजल्ट दे दो, कुछ महीने बाद आपका भी टेस्ट है।
20 ग्रुप को बचाना है, सभी लोग ये चाहते हैं कि 20 ग्रुप को बचाया जाए, यदि बचने के हालात में है तो सरकार एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर एक्शन ले और बाकी की जो चीजें हैं उनको प्रोसेस में लेके आए। 56-57 का ग्रुप एक दो का पेपर लेना कन्फर्म है, खुद एचएसएससी बोल रही है, लेकिन आज तक कुछ बताया नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आ रखा है 6 महीने में दोबारा से भर्ती कंप्लीट करनी है, अब तक एचएसएससी ने नोटिस जारी नहीं किया कि भाई हमने भर्ती विड्रॉल या एक बार रोक रहे हैं, हम प्रोसेस को दोबारा करेंगे। भाई साहब करोगे कब? टीजीटी के बच्चे हैं वो परेशान हो रखे हैं पिछले 1-1.5 साल से, 56-57 वाले बच्चे हैं लगातार परेशान हो रखे हैं। जो चीजें कंफर्म है कम से कम उनको तो कर दो, जहां पर ये कंफर्म है कि ये चीज ऐसे ही होनी है उस प्रोसेस को तो आगे बढ़ाओ। हाईकोर्ट का फैसला सही है तो हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करके आगे भर्तियों को बढ़ाओ, वरना समय नहीं है इन युवाओं के पास भी और आपके पास भी। तो ये बहुत सारे प्रोटेस्ट के रूप में अपनी बात रखना चाह रहे हैं बच्चे इकट्ठे होके, पूरे हरियाणा के युवा इकट्ठे हैं एक मंच के ऊपर है, तो आप लोग भी इसमें शामिल होइए। यदि आपको लगता है कि आपको दुख दर्द तकलीफ है तो उसके लिए आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। बिना रोए बच्चे को अपनी उसकी मां दूध नहीं पिलाती, फिर आप तो सिर्फ एक वोट हो, वो भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, सालों में 5-4 साल में एक बार जरूरत पड़ा है, तो आप ये सोचो कि बिना रोए आपने दूध मिल जाएगा घंटा। इसलिए यहां पर एक एक चीज है, ये टीजीटी की भर्ती के युवा है उन्होंने भी मैसेज भेजा हुआ मेरे पास, ठीक है, तो ये लगातार प्रयास कर रही हैं, भगवान से रिक्वेस्ट है कि भाई एचएसएससी को सद्बुद्धि दे, हरियाणा सरकार जो जिम्मेदार है इस सिचुएशन के लिए उनको सद्बुद्धि दे और जितनी जल्दी हो सके जो भावी अध्यापक है जो एलिजिबल है उनको ज्वाइनिंग दे यार। ग्रुप डी की बात करें, कितने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए ज्वाइनिंग हुए, लेकिन ना डिपार्टमेंट मिला ना सैलरी मिली है। मैंने बताया गया एग्जाम्पल कि रेलवे की नौकरी छोड़ के बच्चा भाई हरियाणा में नौकरी करेंगे, स्टेट की नौकरी करेंगे, और हालात देख लो अब कैसे हैं। इसके बाद में 18 जून को बेरोजगार धरना प्रदर्शन एचएसएससी ऑफिस के सामने पंचकुला, हाईकोर्ट के फैसले अनुसार लंबित सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए ताकि उसके बाद जल्द ही वेटिंग लिस्ट भी आ सके, 5 अंकों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में ना जाए अन्यथा यह भर्तियां पूरी तरह रुक जाएंगी। यहां पर भी बच्चे वो बोलेंगे जिनको 5 नंबर मिलते, जिनको 5 नंबर मिलते थे, अब वो बोलेंगे भाई 5 नंबर की वजह से सिलेक्शन हो रहा था। तो भाई देखो, सरकारों ने आपको बांट दिया है पक्षों में, आप 5 नंबर लेने के पक्ष में हो, कोई 5 नंबर के विरोध में है। तो यहां पर कोशिश करो आप भी कि भाई केवल आपकी मेहनत के दम पे नौकरी मिल जाए, सिचुएशन ऐसी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये 5 नंबर हटाने की बात करी जाए तो जिन्होंने केस किया था, हटाना नहीं चाहते थे, वो केस केवल और केवल प्रॉपर ढंग से नंबर दिए जाए, कोई अयोग्य बच्चा नंबर ना ले, गलत फर्जी नंबर ना ले, इसके लिए मामला था। लेकिन हाई कोर्ट ने इन नंबरों को भाई गलत साबित कर दिया, इनवैलिड साबित कर दिया, तो भाई ये नंबर जाने ही थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गलत बता रखा है तो ये नंबर जाने ही थे। जितने समय मिला आपको फायदा बेनिफिट मिला वो अच्छी बात है, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, तो आप उसके अनुसार फैसला लीजिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ जाइए। अभी मत सोचिए कि भाई 5 नंबर चलेगा, ये होगा वो होगा, कोई बात नहीं है, 5 नंबर चलेगा, आप बराबर में तो फाइट कर रहे हो ना, जिनको नहीं मिल रहे थे आज बराबर में फाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज में आप क्या करो,
भाई ये बोलो कि हमें ये एक्स्ट्रा भेदभाव और हमें छोटे छोटे गुटों में मत बांटो। सरकार को ये बोलो आप, हमें नौकरी चाहिए, नंबर तो अपने आप ले लेंगे पढ़ के, ठीक है ना। आप इस तरीके से बात करो, जिन 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो गई है उनको नियुक्ति बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके। मैं इस बात के बिल्कुल सपोर्ट में हूं। यदि वहां पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी ग्रुप के अंदर अप डाउन होने से, नए रिजल्ट को रिवाइज होने से, तो सरकार को ये 20 ग्रुप बचाने चाहिए और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं। लेकिन यदि वहां पे बदलाव हो रहा है, कोई ऐसे बच्चे शामिल हो रहे हैं जो पहले एग्जाम नहीं दिए थे और अब वो दे सकते हैं, तो फिर गलत है, फिर वहां पे सरकार को कुछ ना कुछ उस विषय के ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन समय रहते सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई वर्षों बाद सोचेंगे, तब तक बच्चे ना इस साइड के रहेंगे ना उस साइड के रहेंगे, ठीक है ना। एमपीएचडब्ल्यू मेल फार्मासिस्ट जेबीटी पदों की भर्ती भी की जाए क्योंकि इन पदों की लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। यार जेबीटी की भर्ती कब आई थी रे? क्या जेबीटी मास्टरों की जरूरत को नहीं की सरकार ने? यहां पे हर वर्ग परेशान है हरियाणा के अंदर, कर्मचारी लगा लो या टेम्परेरी कर्मचारी लगा लो, भाई आशा वर्कर भी रोज हड़ताल पर रह जाए, कदे डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, ठीक है, कदे ग्रुप डी आले, कभी टीजीटी आले, कभी एचएसएससी आले, कभी सीटी क्वालिफाई आले, यार कब तक ऐसे ही रहेगा? फायर ऑपरेटर पदों की भर्ती के लिए सभी बेसिक फायर डिप्लोमा को मान्यता देकर भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। एक प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफिकेशन है उसको क्लियर किया जाए कि भाई ये फॉर्मेट चाहिए, इस तरीके से चाहिए, यदि वो है तो एक बेसिक डिप्लोमा या जो भी आपकी निर्धारित क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार सभी को मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये 19 जून को ग्रुप डी वाले बता रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट देने के लिए और सैलरी देने के लिए। 18 जून को ये सारे विषय हैं, सीटी क्वालिफाई है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। तो जो साथी भाई इन समस्याओं से पीड़ित है वो भी इनमें अपना सहयोग करें, जो साथी पीड़ित नहीं है किसी अन्य समस्या से पीड़ित है वो भी इसके अंदर अपना सहयोग दे, क्योंकि आज यदि आप अलग अलग बटे रहे तो कल को आपको भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो इन चीजों को सोच के समझ के अपने माइंड से फैसला ले कि भाई आप किस वजह से परेशान हैं और इसका समाधान क्या है, किसके पास है, कौन जिम्मेवार है, तो आप उसके पक्ष में अपनी आवाज रखिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध गुनगुनाती दी, फिर आप तो क्या चीज हो, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी, और एक और एनालिसिस की वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा बहुत अच्छे से, तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि वो वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जबरदस्त वीडियो आने वाली है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा, हिल सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।